नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है याना डेयरी फार्मिंग इन इंडिया, और मैं हूं आपका फ्रेंड सुरेंद्र कुमार वर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको एक और मैं तबेला दिखा रहा हूं। और दोस्तों, इस तबेले की आप अगर देखेंगे तो आसपास की सोसाइटी देखिए, ये किस प्रकार की सोसाइटी के बीच में, मतलब हम कह सकते हैं अच्छे खासे लोग रह रहे हैं, उन सोसाइटी के बीच में ये तबेला बना हुआ है। और दोस्तों, इस तबेले की एक और खासियत यह है कि ये भी ज़मीन किराए पर है। इसका लैंडलॉर्ड सिटी में कहीं रहता है, लेकिन उसने थोड़ा सिटी से बाहर जहाँ पे थोड़ी आबादी अभी कम है वहाँ पे किराए पे लेके ये ज़मीन पे तबेला खुला हुआ है। तो मैं सभी अपने किसान भाइयों को ये चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ कि वो कई लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है, वो मुझसे बहुत कॉमेंट्स करते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं, सर हम डेयरी व्यवसाय कैसे चालू करें, हमें दूध के रेट सही नहीं मिलते हैं, हमारे आसपास में दूध के रेट बहुत कम है, फिर उनको फीड की समस्याएं रहती है, हमारे पास हरा चारा नहीं है, हमारे पास खेत नहीं है, हमारे पास फार्म नहीं है। तो दोस्तों, ये उन सभी के लिए ये वीडियो है, और इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति को व्यवसाय करना होता है वो कैसी भी कंडीशन हो व्यवसाय कर लेता है। जैसे कि ज़मीन उस बंदे ने किराए पर ली हुई है, सामने वो जो आपको दिख रहा है ये कवर किया हुआ, यहाँ पर केवल गेहूँ का भूसा रखा हुआ है, और यहाँ पर एक और ये कमरा में आपको आई होप आपको दिख पाएगा, इसके अंदर इन्होंने बांट वगैरह रखा हुआ है। तो ये इस प्रकार की जो डेयरियाँ होती हैं दोस्तों, ये केवल सूखे चारे पे और बांट के ऊपर ही चलते हैं। और सबसे बढ़िया बात ये रहती है कि इस प्रकार की डेयरियों में कि इन लोगों को दूध का रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। अभी जैसे मैंने यहाँ पर जो काम करने वाले बंदे हैं उनसे रेट के बारे में पता किया, तो मुझे पता चला कि इनका दूध का रेट 60 से अबव ही जाता है, 60 रुपये किलो के अंदर यहाँ पर दूध बिकता है। और जो लोग अपने आँख के सामने बैठकर दूध निकलवा के लेके जाते हैं उनको 65 रुपये किलो तक का रेट मिलता है। चलिए मैं आपकी एक व्यक्ति से बात करवाता हूँ जो यहाँ पे काम करते हैं, आइए हम उनसे मिलते हैं। नमस्कार रमेश जी, आइए थोड़ा आपसे एक दो बातचीत कर लेते हैं हम। सर, ये आप कहाँ से हैं पहले तो? मैं बिहार का हूँ। बिहार के हैं। आपको यहाँ पे कितने दिन हो गए सर जॉब करते हुए? मेरे हो गए 3 साल। 3 साल हो गए। अच्छा, तो ये जो डेयरी हम देख रहे हैं, इस डेयरी के अंदर दूध क्या रेट जाता है सर? इसका 60 का जा रहा है। 60 का जा रहा है। अच्छा अच्छा और आप इतने सारे जानवर, कितने जानवर है सर ये, थोड़ा इधर आ जाइए सर। 20 हाँ, ये 20 के आसपास जानवर हैं। तो ये 20 जानवरों का आप खाना किस प्रकार मैनेज करते हैं? खाना फीड जो उनको दाना, मतलब क्या खिलाते हैं इनको खिलाने में? दाना मतलब खल। अच्छा, के खल, चना का चूरी, गेहूं का चापड़, और एक बिंगावला आता है कांकड़ा, मेथी, चने की टुकड़ी। ओके ओके, तो मतलब ये आप केवल इनको ये सूखा चारा जो गेहूं का भूसा होता है वो, और जो बांट होता है, हाँ, केवल यही आप इन दो चीज़ें इनको देते हैं? हाँ, इसके अलावा तीसरी चीज़ सर? तीसरी तेल, मतलब तेल सरसों का। हाँ, गुड़, ताकि उनका फैट बना रहे। फैट बना रहे। अच्छा, मतलब आप इनको हरा चारा नहीं देते हैं सर? ना, हरा चारा यहाँ का सुविधा नहीं है, वो इसलिए हरा चारा। हरे चारे की सुविधा नहीं है? सुविधा नहीं है हरे चारे की, नहीं है। अपना खेत हो ना, उसमें अपना बो दे तो उसमें। तो मतलब यदि हम ये कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों के पास में हरे चारे की सुविधा नहीं होती है वो भी डेयरी व्यवसाय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जैसा लाइव एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हरे चारे का एक तिनका भी इनके पास में नहीं है, लेकिन ये लोग फिर भी डेयरी व्यवसाय को कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें, और अपने सभी किसान भाइयों के बीच में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी प्रेरणा ले सकें इस व्यवसाय को करने के लिए। और जो मेरे किसान भाई जो स्वरोजगार को अपनाना चाहते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और इस व्यवसाय को यदि वो करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, चाहे वो सिटी के आसपास में कोई भी ज़मीन किराए पे ले सकते हैं। और एक टेम्परेरी, आप देख पा रहे हैं थोड़ा अंधेरा हो गया, एक्चुअल में हम क्या है जब वीडियो को शूट कर रहे हैं तो हम बारिश की वजह से काफ़ी लेट पहुंचे, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा महंगा शेड नहीं लगाया हुआ है, केवल चादर स्टील की टांगी हुई है, ये क्या बोलते हैं हम इनको, पत्थर की जो स्लैब है उनके ऊपर, ठीक है। तो कम खर्चे के अंदर भी हम शेड बना के किराए की ज़मीन पर पशुपालन कर सकते हैं, बशर्ते आपकी बस इतनी सी आपकी मतलब मार्केटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए कि आप जो दूध है वो किसी डेयरी में ना देके डोर टू डोर जो हमारे कस्टमर होते हैं उनको डायरेक्ट दें, ठीक है दोस्तों। ओके।
आज के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच आज के लिए।